तो चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, शाम 4:01 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा सुबह 9:53 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा, सूर्य योग सुबह 9:39 तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज मासिक दुर्गाष्टमी है, आज बगलामुखी जयंती भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक, गुलिक काल सुबह 9:01 तक, यमगंड काल दोपहर 3:37 से 5:15 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल मेष राशि की बात कर लेते हैं, तो आज मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। चलिए तो मैं इस राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में अभी भी सूर्य, राहु, बुध और बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। आपके धन भाव में स्वगृही शुक्र है, आपके पराक्रम भाव में मंगल और आपके सुख भाव में चंद्रमा है। ये सारा ग्रह का कम्बिनेशन ये कहता है कि आपके नए कारोबार में तेजी आएगी और खूब धन लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी होगी, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। आज आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी जब लग्न में राहु के साथ बैठा हुआ है तो आज किसी नई योजना में निवेश करने से बचिए और गरीब और जरूरतमंद लोगों में अन्नदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से जान लेते हैं वृषभ राशि का भी राशिफल, आज इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, काम काज, रिश्ते, सेहत और साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए वृषभ राशि में तो स्वगृही शुक्र ही है, द्वितीय भाव का मंगल और तृतीय भाव का चंद्रमा और व्यय भाव में 4 ग्रहों की स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर ये कम्बिनेशन देखा जाए तो कहा यह जा सकता है कि अगर आपका सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा है, पैसों से जुड़ा हुआ मुकदमा है, जमीन से जुड़ा हुआ मुकदमा है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। अच्छी बात यह है कि पारिवारिक विवाद समाप्त होगा। खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखिए और हाँ, एक बात जरूरी है, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतिए। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की और आज मिथुन राशि के लोगों का कैसा रहेगा पूरा दिन, देखते हैं। देखिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है, भाग्य भाव में मूल त्रिकोण का शनि है, आय भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन व्यय भाव का स्वगृही शुक्र, अगर आप यात्रा करेंगे तो धन हानि पक्की होगी। कोई कीमती सामान, आपका सोना चांदी ऐसा सामान गायब हो सकता है, इसलिए यात्रा करते समय पूरे होश हवास में यात्रा करें। ऑफिस में रुके हुए काम निपटाने होंगे, आपकी समझदारी से बिगड़ते हुए रिश्ते भी सुधर जाएंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, योग प्राणायाम करना है और जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। किसी शिवालय में जा करके साफ सफाई करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है,
शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल, आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा, कितनी किस्मत मजबूत है आज इनकी, देखते हैं। देखिए कर्क राशि के जातकों को बताऊंगा, भले ही चंद्रमा स्वगृही है लेकिन व्यय भाव का मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर कोई जल्दबाजी में आप निवेश करेंगे, जल्दबाजी में कहीं आप पैसा लगाएंगे तो इससे धन हानि होगी। नौकरी में बदलाव के लिए समय शुभ है, पारिवारिक विवाद खत्म होंगे, पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशियों की बात करते हैं और सिंह राशि का राशिफल जान लेते हैं, आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में भले ही चंद्रमा है लेकिन आपके धन भाव का स्वामी तो बुध है, और बुध की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर पहले का कोई आपका पेमेंट कहीं रुका हुआ है तो वो आपको वापस मिल सकता है। ऑफिस में सहकर्मी आपका साथ देंगे, भाइयों से विवाद हो सकता है, पानी की कमी से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। राशि की आज कन्या राशि वालों की कैसी आर्थिक स्थिति रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और सेहत और साथी क्या है, आज का उपाय शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के भाग्य भाव में शुक्र है और स्वगृही शुक्र है, आमदनी के स्थान में स्वगृही चंद्रमा है, ये दोनों छोटी बात नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, धन में वृद्धि होगी, ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। लेकिन आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल जो स्थिति बना रहा है, इससे भाई बहनों के साथ मतभेद बढ़ सकता है। खान पान अच्छा रखिए, सेहत अच्छी रखिए, किसी को अपनी गाड़ी मत दीजिए, गुड़ का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की, कैसे रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पार्टनरशिप में धन लाभ का योग है, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा, आज पूरे दिन आप फिट महसूस करेंगे, अनजान व्यक्ति से गुप्त बातें साझा न करें, छोटे बच्चों में खिलौने दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है ये जानते हैं। चलिए वृश्चिक राशि पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, भाग्य भाव में चंद्रदेव स्वगृही हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी अच्छे दाम पर बिक सकती है ऐसा सिग्नल मिल रहा है, और आपके दशम भाव का स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में है। अगर किसी नई नौकरी के लिए अपना रिज्यूम आपने भेजा है तो वहां से आपको बुलावा भी आ सकता है। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आज इनका दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि से पंचम भाव में सूर्य राहु बुध बृहस्पति 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में शुक्र है भैया, और तृतीय भाव में मूल त्रिकोण का शनि।
ग्रह गोचर अच्छा नहीं है, बीमारियों पर धन खर्च हो सकता है। ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं होगा, पैसा नहीं बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा, यही अच्छी बात है। और पूरी सावधानी से उठें, बैठें, चलें, क्योंकि आज चोट लगने की संभावना है। किसी नई योजना में बिल्कुल निवेश न करें। अगर हो सके तो कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि के बाद अब बात मकर राशि की, और जान लेते हैं मकर राशि वालों की आज किस्मत कितनी मजबूत रहने वाली है। मकर राशि से सप्तम भाव में इस समय चंद्रमा मौजूद है, द्वितीय भाव में शनि मौजूद है, चतुर्थ भाव में चार चार ग्रह हैं, पंचम भाव में स्वगृही शुक्र है। इसका मतलब होता है कि आज का दिन आपका सामान्य है और पैसों की आवाजाही भी सामान्य रहेगी। लेकिन जो एक बात मैं देख पा रहा हूँ आपके गमन स्थान को, तो व्यवसाय से जुड़ी हुई, काम से जुड़ी हुई किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। जीवन साथी का साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें, बहते हुए जल में काला तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए आठ है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, और देख लेते हैं कुंभ राशि का आज भाग्य कितना मजबूत है। देखिए कुंभ राशि में तो शनि देव विराजमान है ही है, तृतीय भाव में सूर्य राहु बुध बृहस्पति हैं, और चतुर्थ भाव में स्वगृही शुक्र है। तो इन सब बातों को देखते हुए छठे भाव के चंद्रमा को भी ध्यान में रख लीजिए, तो कोई कारोबारी डील आपका धन लाभ करा सकती है। ऑफिस के काम में आज आप दिन भर व्यस्त रहेंगे, पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझाएं, मन शांत रखें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई हस्ताक्षर जल्दबाजी में ना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए चार है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की भी, और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। मीन राशि पर इस समय पाप कर्तरी योग चल रहा है। जैसे मीन राशि के द्वितीय भाव में राहु और व्यय भाव में शनि, राशि के दोनों तरफ दो पापक ग्रह हैं, इसको ज्योतिष में कहते हैं पाप कर्तरी योग। तो ऐसे में किसी यात्रा पर आपका मनमानी पैसा खर्च हो सकता है। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल ना करें, काफी समय के बाद परिवार से भी मुलाकात होगी, घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सावधानी रखें, किसी अनाथालय में कुछ दान करें। शुभ अंक आपके लिए तीन है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।